जोहार एंड हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल एन एंड अनादर वीडियो ठंड ने दस्तक दे दी है और ऐसे मौसम में हमेशा हमें कुछ गर्म सूपी और हेल्दी खाने का मन करता है सो इन इनड्यूस वीडियो आई बी मेकिंग अ चाइनीज डिश विच इज बेसिकली अ चाइनीज हॉट पॉट. एंड आई आईट दिसम्स So these are the veggies that I'll be adding. So, first of all, I have mushroom, sweet corn, radish, carrot, cauliflower, cucumber, jay, broccoli, naimili, and then we have onion and French beans. So before we begin, I just want to let you guys know that the traditional method hai, and this is the traditional way that they have made their sauce. This is hot pot base or sauce, whatever you can call it. और ये मैंने लिया था हिमाचल से एंड दिस इज़ स्पेशली यूज फॉर मेकिंग हॉट पॉट एंड नूडल्स तो पहले मैं क्या करूँगी मैं बटर में अच्छे से अपने सारे वेजीज़ को सोटे कर लूँगी सारी सब्जियों को सोटे करने के बाद मैं फिर उसमें वाटर ऐड करूँगी ऑलवेज एड अ लिटल अमाउंट इनिशियली और उसके बाद जब आपको लगे कि आपको इसमें और ऐड करना चाहिए तब आप और ऐड कर सकते हो तो मैंने शुरू में अराउंड वन टेबल स्पून ऐड किया था और उसके बाद जब टेस्ट किया तो मुझे और एक टेबल स्पून ऐड करना पड़ा एंड देन ये सीज़ इसका कलर कितना अच्छा आया है और टेस्ट करने के बाद आई फल्ट कुछ तो मिसिंग है एंड देन आई फिक्सड इट लेटर एंड यू विल सी हाउ आई फिक्सड इट तो इसे फिक्स करने के लिए मैंने यूज़ किया वेजिटेबल ब्रॉथ पाउडर और क्योंकि हॉट पॉट में नूडल्स जाते हैं तो मैंने अलग से नूडल्स बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे क्योंकि सबको नूडल्स खाने नहीं थे नूडल्स बॉईल होने के बाद मैंने अपने पोर्शन के नूडल्स इसमें ऐड किए और अच्छे से मैंने पकने के लिए छोड़ दिया ताकि फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बॉयल्ड या टेस्टलेस ना लगे एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स माई पॉट वॉज रेडी सो माई हॉटपॉट इज़ फाइनली रेडी एंड इट लुक्स सो वमी एंड टेम्पटिंग सो चलो लेट्स डे इन क्विकली बिफोर इट गेट्स कोल्ड बाई द टाइम आई वॉज हैविंग माई डिनर सब सोच चुके थे आई थिंक इट वॉज़ ऑलमोस्ट टेन तो मैंने सोचा अपनी बकपक से क्यों किसी की नींद ख़राब करना सो हियर आई एम एन्जॉइंग माई डिनर एंड जितने भी आप एक्सप्रेशन देखोगे माई गॉड वो रियल हैं आई एम नॉट एक्टिंग क्योंकि food i love food food makes me dance food makes me happy and yeah keep watching and see my reaction this is my honest reaction मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इस सॉस मिक्स की कि मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें सारे फ्लेवर्स इसमें थे और ये इतना टेस्टी लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ अगर आपको ये ऑनलाइन मिलता है तो आप प्लीज़ इसे खरीद कर ज़रूर ट्राई करना और अगर आप दिल्ली जाते हो या आपको कहीं भी ये आउट ऑफ झारखंड मिलता है तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करना आई एम श्योर यू लव इट और स्पेशली इस सीज़न में नवंबर दिसंबर आई मीन विंटर सीजन में इसे खाने में जो मजा है मैं क्या बताऊँ आई एम इन लव दिस सॉस मिक्स ये सी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी स्पेशली दिस सी ये दोनों कॉम्बिनेशन तो भाई साहब बहुत ही डेडली है मैंने इसे दोबारा भी बनाया एंड इट टेस्टेड द सेम मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है एंड आई एम गोना फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल क्योंकि आई एम इन लव विद दिस सॉस मिक्स ये बनाते बनाते मुझे इतनी भूख लग गई थी कि एक बोल से मेरा कुछ हुआ नहीं आई हैड टू बोल्स ऑफ हॉट पॉट एंड देन आई फेल्ट कि हाँ कुछ तो गया पेट में So that's it for this video guys. I hope you liked it. If you did make sure to press the like button, share it with your friends, subscribe to my channel and don't forget to press on the notification bell so that whenever I'll post a new video you'll be updated. And I'll see you in the next one. Until then, take care and stay safe. Bye and good night.